Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खूबसूरती एक ऐसी चीज है जिसकी ख्वाहिश हर इंसान को होती है। खूबसूरत चेहरे के लिए हमारे यहाँ की खवातीन क्या क्या जतन नहीं करती। कभी कोई डाइट का सहारा लेता है तो कोई मुख्तलिफ क्रीम का इस्तेमाल करता है, पर एक चीज जो सबसे आसान और इंस्टेंट रिजल्ट देती है वो है फेशियल और मास्क। रंग गोरा करना हो, उम्र छुपानी हो या स्किन डाइट करनी हो, फंक्शन शादी का हो, कोई दावत हो या फिर हो ऑफिस का कोई इवेंट, कुछ ऐसे जादुई मास्क हैं जिनसे ये सब मुमकिन है, वो भी बहुत कम वक्त में। चेहरे की खूबसूरती के लिए गोल्ड मास्क और सिल्वर मास्क निहायत कारामद है। इसके अलावा चारकोल मास्क और चॉकलेट मास्क भी अपनी मिसाल आप हैं। और मुल्तानी मिट्टी मास्क से भी चेहरे का ग्लो खूब निखर जाता है। तो जनाब आइए आज देखते हैं गोल्ड, सिल्वर, चॉकलेट, चारकोल और मुल्तानी मिट्टी मास्क का जादू पाकिस्तान के नंबर वन मॉर्निंग शो आपका साहिर में। जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे कुछ भी कहे हमको जमाना, कोई बनाए बात जरा ऊपर होने चाहिए, तालियां होनी चाहिए। और आज शो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम सारे फेशियल की बात कर रहे हैं। आज हम चॉकलेट फेशियल की बात कर रहे हैं, आज हम चारकोल फेशियल की बात कर रहे हैं, आज हम व्हाइटनिंग फेशियल की बात कर रहे हैं, आज हम गोल्ड फेशियल की बात कर रहे हैं और सिल्वर फेशियल की बात कर रहे हैं। So, just remember this, ladies and gentlemen, आज अगर आपने जिंदगी में कभी भी किसी भी फेशियल को देखा है तो आज हम आपको यहाँ वो डेमोंस्ट्रेट करने जा रहे हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर काशिफ इज हियर, बहुत सारी तालियां। हकीम रजा इलाही साहब के लिए बहुत सारी तालियां। उरूज के लिए बहुत सारी तालियां। सलमा आसिम के लिए बहुत सारी तालियां। बारा के लिए बहुत सारी तालियां। रानी आपा के लिए बहुत सारी तालियां। ये
हैं, पता नहीं यहाँ क्यों आई हैं, इनके लिए बजाइए जोर से तालियां। तेरे प्यार में तेरे प्यार में बदला दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले जाए बेखुदी अपनी, हो अब तो है तुमसे अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे ऑलराइट। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? तब बातें वानी होनी, कैसे हैं आप लोग, सही हैं, खैरियत से हैं? हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, सुबह सुबह बड़ा ताज़ा दम हो गया हूँ, बहुत बहुत अच्छा है। तो आज हम बातें कर रहे हैं बहुत, डॉक्टर साहब क्या करने जा रहे हैं आज? आपको चारकोल से मास्क सिखाऊंगा जो आपकी स्किन को, इसलिए आज आपने चारकोल बना हुआ। ओके, और आपको बहुत जैसे फायदा होगा, स्किन टाइटनिंग भी होगी, क्योंकि आप देखिए जैसे हीरा निकलता है कोयले की कान से, कीड़ा निकलता है हीरा, तभी आप भी हीरा बन के निकलेंगे और चमकदार स्किन हो जाएगी आपकी। और आप क्या करेंगे? हम करेंगे मुल्तानी मिट्टी से जो है वो मास्क बनाएंगे, जिससे मुल्तानी मिट्टी से एक ऐसा रंग आएगा चेहरे पे, निखार आएगा, जैसे गोल्ड की चमक आएगी। आप क्या करेंगे? और जी इससे स्किन फ्रेश हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और आप क्या करेंगी? मैं सिल्वर मास्क बनाऊंगी और मैं आज ये रिजेंबलेंस के तौर पे पहन के भी आई हूँ ताकि आपको याद रहे। और आप क्या करेंगी? मैं चॉकलेट मास्क बनाऊंगी जो आपकी स्किन पे ग्लो लाएगा, वाइटनिंग लाएगा, टाइटनिंग लाएगा और आप अच्छे लगेंगे जिस तरह से मैं चॉकलेट बन के आई हूँ आज। और आप क्या करेंगे? मैं वाइटनिंग फेशियल के साथ वाइटनिंग मास्क बनाऊंगी। वाह यार आज शुक्र है मैंने ब्लू शर्ट नहीं पहनी, नहीं तो मैं ब्लू वाला मास्क No. मैं कुछ मतलब कुछ भी हो सकता था। आप मेरे बैंड के लिए बहुत सारी तालियां, खासकर एहसन भाई के लिए पीछे से बैठे। हमें पता नहीं था कि सुबह सुबह एहसन भाई से क्या कहा जाए, बिकॉज 9 बजे के वक्त एहसन भाई का दिमाग काम नहीं करता और जब काम करना शुरू करता हमारा शो खत्म हो चुका होता है। तालियां, बहुत सारी तालियां एहसन भाई के लिए। बट एनीवे आज इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो जितने भी मास्क होते हैं इसका सिर्फ एक पर्पज़ होता है, और पर्पज़ ये होता है कि आपकी चेहरे की स्किन जो है वो जवान नज़र आए और वो नरिश हो जाए और साथ साथ उसमें कोई खास तब्दीली आए, दैट मीन्स वो एंटी एजिंग हो और से रिंकल फ्री हो जाए आपका चेहरा। तो आज हम यही करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, ये जो आपका मास्क है कोयले का मास्क, इससे कितनी हेल्प मिलती है? इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि चारकोल के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपकी स्किन को टाइट करेंगे और बेसिकली हर कोई चाहता है कि चमक आए स्किन में, तो उसका नाम ही मैंने चारकोल चमक मास्क रखा है। चमक मास्क इससे आपकी स्किन में चमक आएगी, बिकॉज देखिए बेसिकली हमें ये नहीं कि गोरा होना है, आपकी स्किन जो भी आपका टेक्सचर है या कॉम्प्लेक्शन उसी को एक ग्लो चाहिए होता है, सबको चमक चाहिए होती है, बेसिकली वो है। तो इंशाल्लाह से आपको बहुत अच्छी चमक भी आएगी, स्किन टाइटनिंग भी होगी। एक बड़ा कमाल हो गया ना, आज आप और मारिया दोनों ब्लैक पहन के आए, पता नहीं क्या वजह है, मतलब ऐसी क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। हो सकता है आप हो, अच्छा आप इनसे शादी क्यों नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आती ये बात, व्हाई डोंट यू गेट मैरिड टू हर? अब स्वात के अंदर एक कानून नाफिज हो गया है कि अब मर्दों को दो शादियां करनी है और जो खातून उस राह में रुकावट बनेगी उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू, मैं तो खुद रिलोकेशन का सोच रहा हूँ। मैं तो खुद सोच रहा हूँ मैं स्वात में जाके रहने लगूँ यार। एक एड्रेस बंदे का स्वात के अंदर होना चाहिए। रजा साहब क्या कह रहे हैं? अच्छा बिल्कुल, रजा भाई भी स्वात जाना चाहिए। अच्छा हम जो आज मास्क बना रहे हैं इससे एकनी के जो निशान है, आप ये पैंट्स पहन के आए शलवार कमीज है ये?
ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਥਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਆਈ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਓਨੈਸਟਲੀ ਡੂ ਨੋਟ ਨੋ ਸ਼ਲਵਾਰ ਹੈ ਸ਼ਲਵਾਰ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਸੇ ਏਕਨੀ ਔਰ ਕੀਲ ਮੁਹਾਸਬ ਕੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੇ ਅਭੀ ਕੀਲ ਹੈ ਦਾਗ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਗ ਹੈ ਜੋ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ہم سارے ماسک لگانے ہیں سارے سارے کے سارے ماسک اور ہر ایک ماسک جو ہے وہ آپ کے چہرے کو بہتر کرے گا خوبصورت بنائے گا اچھا آپ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ آج غور سے دیکھیے کیونکہ یہ سارے ماسک آپ گھر پہ بھی پریپئر کر سکتے ہیں کہیں آپ کو سالن میں جانے کی ضرورت نہیں چھوٹا سا ایک بریک ہے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ لیکن ابھی ہم آپ کو ہولڈ پہ رکھیں گے دیکھتے ہیں پھر ابھی اور کنٹسٹنٹ کبھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم سارے یہ فیصلے کریں گے کون کون ان ہے اور کون کون آؤٹ ہے ہم نے رانی آپا سے شروع کیا رانی آپا یہ کیا لگا رہی ہیں جی میں ان کو سلور ماسک بنا رہی ہوں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ابھی ہماری بات ہوئی فیشلز کی کہ دنیا میں جتنے بھی فیشلز ہوتے ہیں ان کا جو ہول سول ڈپینڈ کرتا ہے وہ ماسک کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے میں ہربلسٹ کے ساتھ ساتھ ایک بیوٹیشین بھی ہوں جب ہم اپنے کسی بھی کلائنٹ کو بہت زیادہ فورس کرتے ہیں کہ آپ یہ فیشل کرائیے ایڈوائس دیتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ماسک لگے گا سلور ماسک لگے گا گولڈن ماسک لگے گا ٹائٹننگ ماسک لگے گا وائٹنگ ماسک لگے گا یعنی پورا ہمارا جو فیشل ہے وہ ماسک کے گرد گھومتا ہے سب سے زیادہ اہمیت آپ کے فیشل میں آپ کے ماسک کی ہے اور آج ہم اسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے سامنے مختلف ماسک لائے ہیں سلور کی اہمیت بہت زیادہ ہے آئی تھنک فیشل میں اسکربنگ کی اور موئسچرائزنگ کی ان کی اہمیت نہیں ہے جی بالکل اہمیت ہے بالکل اہمیت ہے کلینزنگ ہے اگر آپ دیکھیں میرا سوال اگین اٹس اے سلی کوسچن ہم جسٹ آسکنگ اگر آپ موئسچرائز نہیں کریں تو آپ کی اسکن پہ ایجنگ بہت جلدی آ جاتی ہے ایم آئی رائٹ اور رانگ ہمیں کلنزنگ کرنی ہے ہمیں مساجنگ کرنی ہے ہمیں اسکربنگ کرنی ہے یہ تمام چیزیں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں لیکن سب سے آخری جو اسٹیج ہے سب سے آخری اسٹیپ ماسک کا ہے جس میں جو سب سے زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اور اسی کا ریزلٹ آپ کے پورے چہرے پر اسکن ٹائپ کو دیکھتے ہوئے ماسک کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ آپ کو کون سا اب یہ جو ماسک ہے یہ پیسیفک جو ہے زیادہ تر خصوصاً ایکنی والے فیسز کے لیے ہے جو پرابلم اسکن ہے ان کے لیے ہے جن کی آئلی اسکن ہے ان کے لیے ہے جن کی فیس پر بہت زیادہ پورس اچھا یہ آپ کا جو سلور ماسک ہے یہ کرتا کیا ہے یہ سلور جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ سلور اینٹی جرمز ہے اور ایکنی کی جو اسکن ہوتی ہے یا اسکن پہ جو لوزنگ آتی ہے یا اسکن کے جو پورس کھلتے ہیں وہ اسی لیے کھلتے ہیں کہ اسکن پر سیبم آئل بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایک کام کیجیے آپ پہلے یہ لگائیے پھر ہمیں سکھائیے کہ بنتا کیسے ماسک بالکل کولنگ افیکٹ دیتا ہے اس کی وجہ سے ایکنی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایکنی ختم ہوتی ہے اسکن ٹائٹ کرتا ہے آپ کے پورس ٹائٹ کرتا ہے آپ کی اسکن سے الرجی ختم کرتا ہے آپ کی اسکن سے ایکسٹرا آئل ختم کرتا ہے آپ کی اسکن پہ جو جرمز ہو جاتے ہیں ایکنی کے ذریعے یہ انہیں ریموو کر دیتا ہے اور چاندی تو ویسے بھی بہت ٹھنڈی ہے اور اس دھات کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے پیدائش سے لے کر کیونکہ جب ہمارے ہاں کوئی نیو بورن بیبی ہوتا ہے تو شروع سے یہ روسا کا طریقہ رہا ہے کہ اس کو چاندی کے یا سونے کے چمچ سے اس کو پہلی فیڈ دی جاتی ہے ایک
कौन से मौसम में लगाया जा सकता है, जो मास्क होते हैं चांदी के चम्मच से मास्क के लिए स्किन की कैद होती है, सीजन की कैद बिल्कुल नहीं होती जी। आई एम जस्ट आस्किंग जी, चांदी के चम्मच से जो फीड दी जाती है उसका इससे ताल्लुक क्या? इससे ये ताल्लुक है कि मैंने बताया कि एंटी जर्म्स है और बच्चे को जो सबसे पहले गिज़ा दी जाती है उसमें यही ख्याल रखा जाता है। तो जो कहा जाता है कि वो चांदी का चमचा लेकर मुंह में पैदा हुआ उसका मतलब ये नहीं है, सोने या चांदी का चम्मच मेरे तो ख्याल में उसका मतलब ये है कि वो जो सोने का चम्मच उसी बात को मानता हूँ जो मैंने अंग्रेजी में पढ़ी है कि भाई सीधी सीधी बात है, जो सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं इसका मतलब बहुत अमीर है। अभी तो बॉर्न बेबी को कुछ भी नहीं दिया जाता, बात हम वो करें जो समझ में आए, जो समझ में नहीं आ रही वो बात में नहीं। वो सारी मिसालें इसको इस बात भी इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, जिसकी सेहत बेहतरीन है वही दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। मेरे एक रस्सी मंगवाओ कोई तकरीबन 20-22 फुट की। मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए कुछ भी है, सिल्वर मास या सिल्वर फेशियल के सैलून में बहुत ज्यादा पैसे हैं यहाँ पे आपको बिल्कुल। अच्छा कितने पैसे, नॉर्मल कितने पैसे लगते हैं? ये 2000 से स्टार्ट करते हैं, वो मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, 10,000 तक जाता है ये वाला। और उनको बताया जाता है कि सिल्वर मास्क आपको लगाया जा रहा है तो हमारा क्लाइंट उस मास्क की वजह से उस फेशियल की कीमत हमें अदा करता है जी। और जो आपने टॉपिक रखा हुआ ये जितने भी फेशियल या हम बताएंगे आपको मास्क बताएंगे सैलून में, इसके बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ही ज्यादा पैसे हैं। ये तो बहुत ज्यादा सीक्रेट्स हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल चलो फिर एक बात करते हैं, आज से बंद करते हैं इसको, मत आइएगा आप लोग। खत्म करते हैं, आज आखिरी दिन है टोटकों का, आज के बाद टोटके नहीं करेंगे, इतना ही एहसान करने के लिए। ये तो आपकी क्वालिटी ना, आप निकलवाते हैं आपकी लड़ाई है। बिल्कुल चले चले करें जी जनाब, ये लग गया, अब हम इनको भी लगाएंगे। यहाँ तक नहीं लगाएंगे जी, यहाँ तक लगाएंगे बिल्कुल। और आंखों के ऊपर अगर हम आई पैड रख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट आता है, और उसके ऊपर भी अगर हम ये मास्क अप्लाई कर दें, मैं भी कर दूंगी, तो बहुत ही अच्छा भी लगता है और बहुत ही फायदेमंद भी होता है। आंखों पे अप्लाई करें जी, आंखों के ऊपर आई कॉटन के पैड रखते हैं गीले करके और उसके ऊपर अप्लाई कर दें। कीजिएगा मत, खुदा ना करे सीप करके आंखों के अंदर चला जाए, ऐसी हरकत मत कीजिएगा। आपकी मर्जी है, मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। मैं तरीका बता रही हूं, जो भी तरीका ये बताएं वो इनके तरीके आप जरूर सुन लें, हो सकता है ये जानती हैं। मैं आपको हरगिज़ ये मशवरा नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ आंखें बचा के यहाँ तक लगा लीजिए, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पता चले इंसान का चेहरा सही हो गया, आंखें अंधी हो गई। हेलो और रानी आपा तैयार हो रही है, अल्लाह मालिक है। नहीं ये बता दे, करके छोड़ेंगे, तरीका बता दे ना ताकि यहाँ रखना जरूरी होता है जी। ये आईपैड रखना जरूरी, थैंक यू आईपैड पे लगाइएगा नहीं प्लीज, ठीक है? थैंक यू। हर मास्क के बाद अगर ये आईपैड लगा लें तो बहुत ज्यादा फायदा। बस इधर आ जाइए, टाइम नहीं है जी। इनको भी लगा दूं? हाँ जी बिल्कुल लगा दीजिए। ये हम लगा देते हैं, आप बना लें, बल्कि आप बनाइए, सिखा दीजिए। अच्छा अब आपने ये देखा कि हमने यहाँ पर ये सिल्वर मास्क जो है लगा दिया, जरा देख लीजिएगा इनको, क्लोज कीजिएगा, हमने यहाँ सिल्वर मास्क जो है वो इनको लगा दिया है। अब ये मास्क बनता कैसे है इसका तरीका हम आपको बताते हैं जी, प्लीज जी। बिल्कुल ये मास्क बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, इसके लिए हमें चाहिए संदन, एक चम्मच हमने यहाँ संदन ली है, ठीक है, बारीक पिसा हुआ पाउडर, ये है हमारे पास समंदरी झाग, और इसमें मैंने पहले से थोड़े से चांदी के वर्क पीस कर मिला लिए हैं, ओके, और ये है मिल्क पाउडर यानी सूखा दूध, एक टीस्पून ये लिया, इसको हम अरके गुलाब के साथ मिलाकर पेस्ट बना लेंगे, और हमारे पास एक यहाँ पर चांदी का वर्क जो मैंने पीस कर मिलाया है बचा हुआ भी है, तो जितनी चीज़ हमारे पास बचे उसे ज़ाया ना करें, उसके ऊपर अप्लाई कर दें। अच्छा इसमें अभी आपने तीन चीज़ें डाली हैं जी, ठीक है, अच्छा ओके, अब क्या करना है? संदल डाला है मैंने इसमें, और इसमें मैंने समंदरी झाग पिसा हुआ पाउडर डाला है और पाउडर मिल्क डाला है, okay. और इसको बिल्कुल आसान थोड़े से पानी के साथ, इसको हम पतला बिल्कुल नहीं करेंगे, ये चांदी के वर्क है बिल्कुल ज़रा जी जी, चलिए और ये बन गया जी, बिल्कुल बन मास्क गया, हो गया, दैट्स इट। इसके 2000 रुपये लेते हैं वो लोग मिनिमम, बिल्कुल पूरे फैशन ट्रीटमेंट के 2000 से स्टार्ट होता है, हमारे क्लाइंट को तो नहीं पता कि हमने क्या बनाकर लगाया है। हम इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेंगे, ओके, अब मैं आती हूँ। और मैंने ये बताया कि हमारे ये हमने लगा दिया है, और ये कितनी देर तक लगाना है आपा? ये जब तक खुश्क ना हो जाए, कोई भी मास्क उस वक्त तक थोड़ी सी ना
थोड़ी सी इसकी और एप्लीकेशन कर दीजिए सलमा, यहाँ लगा दीजिए। कोई भी मास्क हम उस वक्त तक रिमूव नहीं करते जब तक कि वो खुश्क ना हो जाए। ओके ओके, इस पर भी सलमा एक बार अप्लाई। व्हाट्स वेरी वेरी नाइस एक्चुअली, वेरी नाइस। ये सिल्वर के चांदी के जो वर्क है ये इसका अहम जुज है। ओके, और इसको इसके अंदर पीस। अच्छा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पर, इनकी हमने ये दूसरी कोट की है, यहाँ पर अभी इनका एक और कोट जो है वो बाकी है। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, बिकॉज रीजन इज क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ ये एक फेशियल देखा है, अभी हमने गोल्ड फेशियल करना है, चारकोल फेशियल करना है, चॉकलेट फेशियल करना है, व्हाइटनिंग फेशियल करना है। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Get it back.
ऑलराइट जी, ऑलराइट ऑलराइट। जरा बेटा आप ऐसे दिखाइएगा, ऐसे हो जाइए। ये हमने चॉकलेट मास्क लगाया, अच्छा मुल्तानी मिट्टी का मास्क है। आपका नाम क्या है? शिजा। शिजा को मुल्तानी मिट्टी का हमने मास्क लगाया हुआ है, जस्ट वॉच दिस। और हम इस मुल्तानी मिट्टी के मास्क को बनाते कैसे हैं, इसके लिए हम रजा इलाही साहब की तरफ जा रहे हैं। तो ज़रा सा प्लीज़ बता दीजिए कैसे बनाते हैं। जी बिल्कुल आसान है ये, और सस्ता तरीन है, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। जो आपको हज़ारों रुपये खर्च करने से मिलेगा, वो रिज़ल्ट इस मिट्टी के मास्क से मिलेगा। इसमें हम लेंगे 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। ओके अच्छा, और ये बाज़ार में तो आम मिल जाती है ना? जी जी ओके ओके, बहुत आम मिल जाती है। ठीक है, और इसमें हम 2 चुटकी डालेंगे हल्दी। ओके, जो कि घर में मौजूद होती है। और इसमें हम डालेंगे लाल मिट्टी, जो कि गिरू के नाम से मिल जाती है बाज़ार से। ये हमने डाली इसमें 2 चुटकी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो ख़ास है, जिससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है मुल्तानी मिट्टी के साथ मिलने से, ये है जो कि पुराने वक्तों में, जो जब ये बेस और ये कॉस्मेटिक का सामान इतना नहीं था, तो उस वक्त इस चीज़ को वो एज ए बेस इस्तेमाल किया करते थे। इसके लगाने से 20-25 रुपए का ये मिलता है एक तोला भर, इतना बन जाता है कि 4-6 महीने इस्तेमाल हो जाता है। इसको बोलते हैं मर्दा सिंह। क्या बोलते हैं? मर्दा सिंह। अच्छा, ये देखें आप साहिर भाई। नहीं मुझे तो नहीं, ना आप तो वैसे चिट्टे हैं, आप हाथ में लगाए हैं, आप तो वैसे चिट्टे हैं। क्या क्या, अच्छा ये देखें क्या करना, एक क्या करना, क्या ये देखें, ये हमने लगाया। ओके अच्छा, इससे ये होता है कि ऑयल भी कंट्रोल होता है, और इससे आपकी स्किन पे फौरी तौर पे वाइटिंग और एक चमक आएगी। ये जरा इधर दिखा दें, इधर दिखाएं। वाओ, अच्छा ये फौरी तौर पे वाइटनिंग हो जाती है? फौरी तौर पे हो जाती है। और दूसरी बात ये कि ये जो ज़ख़म हैं, कील, मुहासे हैं, उनमें मरहूमों में एंटी इन्फेक्शन के तौर पे इस्तेमाल भी किया जाता है। और इसको लगाने से आपको वैसे सोने चांदी की जो चमक है वो मिलेगी। 20 रुपए का ये मिलता है, इतना मिलेगा कि आप महीनों इस्तेमाल करें इसको। इससे ऑयल कंट्रोल होगा, एक नहीं कि वो दाग जो आपके कील निकलते रहे, आप दबाते रहे, वो फिर बैठते रहे, आप फिर निकालते रहे, उसमें से पस और कील निकल निकल के आपके गाल इस तरह हो गए जिस तरह मोटे किन्नू का छिलका होता है या नारंगी का छिलका होता है। अब उसके मसाम भी ओपन हो गए, ओपन पोर्स भी हो गए, और उसमें काले दाग और निशान रह गए। रेगुलर 40 दिन इस्तेमाल करें आप, 40 दिन तक मुतवातिर इस्तेमाल करें, सिर्फ और सिर्फ ये पाउडर ही इस्तेमाल करें, आपके स्याह दाग जो एक्नी के हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। एक चीज़ तो ये, अच्छा दूसरी बात ये कि इसके कोई ज़िमनी असरात नहीं है, किसी तरह के कोई ख़तरत नहीं है, इसमें किसी तरह की स्किन एलर्जी नहीं होगी इसके लगाने से, किसी तरह की खराश नहीं होती है। तमाम हिसास स्किन वाले भी इसको लगा सकते हैं, ऑयल कंट्रोल भी है। अच्छा, ये भी हमने इसमें डाला, ये 2 चुटकी डाला, बिल्कुल ये हमने डाला इसमें 2 चुटकी के करीब। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। अच्छा, थोड़ा सा हम अरके गुलाब मिलाएंगे। ओके, ये जी तैयार हो गया, तैयार। दैट्स इट, ये मास्क है? जी जी मास्क है। अच्छा, एक चीज़ रहेगी सर जी। अच्छा, थोड़ा सा हम जो एकनी पक्के हुए होते हैं, बिल्कुल लाल होते हैं कील ऐसे, जिनको हाथ लगाने से भी दर्द हो रहा हो, अगर ये ऐसी कैफियत हो, तो फिर हम इसमें चावल के दाने जितना सत पुदीना शामिल करते हैं। अगर सत पुदीना मुयसर ना हो तो हरे पुदीने का जो पानी है वो 4-5 कतरे आप इसमें इस्तेमाल कर लें। तो इससे फौरी तौर पे इसका मैजिक असर ये होता है सत पुदीना लगाने से, कि अगर एकनी बने हुए हैं, उनके नोक हैं, सुर्खी है, तो ये लगाते ही 20 मिनट में वो गायब हो जाएंगे। हाँ, उनकी रेडनेस जो है वो गायब हो जाएगी। ओके, अब बताइए मुझे ये करना क्या है इसको? बस ये जी हमने लगा देना है एंड डन। हाँ, 20 मिनट के बाद जो है इसको वॉश कर लेंगे। ओके, 20 मिनट के बाद चेहरे को हल्का सा स्क्रब करके इसको वॉश कर लें बस। अच्छा, एक बात बताइए, रात को लगाना ज़रूरी है, सुबह या दिन में किसी भी वक्त लगा लें? दिन में किसी भी वक्त लगा लें। अगर आपने किसी तकरीब में जाना है और चेहरा आपका फ्रेश नहीं है, तो आप 20 मिनट पहले लगा लें, 20 मिनट के बाद इसको धो लें, आपको वाजे तब्दीली नज़र आएगी। ओके, लगाइए ज़रा। अच्छा सलमा, या तो आप लगा दें या फिर सलमा लाइए, आप लगा सकते हैं। सलमा लगा दें, ये लीजिए। अच्छा, इससे कील मुहासे जो हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं? कील मुहासे भी ख़त्म हो जाते हैं, कील मुहासों के निशान भी ख़त्म हो जाते हैं। ओके ओके, अच्छा मुल्तानी मिट्टी का मास्क वैसे ही बहुत इफेक्टिव। अच्छा, ये स्किन को टाइट भी करता है? ठीक है,
और ये अक्सर फेशियल जब हम वैक्सिंग वगैरह करवाते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं, तो ये लाजमी बच्चियाँ लगवाती हैं, उससे रेडनेस बहुत ख़त्म हो जाता है। ओके, इस पर बड़ा मसला जो हमारे स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं उनके चेहरों पे हार्मोनल चेंज की वजह से बहुत सारे दाने निकल रहे होते हैं, एक्ने निकल रहे होते हैं, और उनके निशान स्याह स्याह दाग बन जाते हैं, चेहरे पे गड्ढे खाल वगैरह जो है वो, इस चेहरे की स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है, हिसासियत आ जाती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ये बिल्कुल मुफीद है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं। एक्नी स्किन पे हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते कि एक्नी ज़्यादा फैल जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन ये होम रेमेडी है जो घर की चीज़ें बनी हुई है उससे एक्नी ख़त्म हो जाएगी लेकिन बढ़ेगी नहीं। आप बिल्कुल, इसमें हल्दी है, मर्दा सिंह है जो बिल्कुल जेम्स को मारती है, इन्फेक्शन है, सिर्फ ये ज़रा सात पुदीने की वजह से थोड़ा सा आंखों को और जरा सी ठंडक जो है ना उससे है, ठंडक होती है वो भी, और इससे इतना आपको ऐसे उठाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सात पुदीना जो है वो कोई केमिकल की हैसियत नहीं रखता, खाया जाता है। हां सर, बात 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 मत कीजिए प्लीज। पेपरमिंट सिरप वगैरह भी आते हैं जो कि खाए जाते हैं, जो चीजें खाई जाने वाली हैं वो स्किन पे एलर्जी नहीं करती। एक्चुअली वो उन स्किन के लिए जिसमें बहुत ज्यादा सीबम ऑयल रिड्यूस होता है वो उनके लिए ज्यादा बेहतरीन है, उनके लिए भी बेहतरीन है, बिल्कुल बेहतरीन। जड़ी बूटी हुआ वैसे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी जी जी, अच्छा थोड़ा सा जरा यहाँ पर कैमरा कीजिएगा, सामने देखिएगा, कैमरास पे कीजिएगा, और प्लीज आप लोग हे हेलो हेलो यू स्टॉप। ये देखिएगा कि यहाँ पर आपने चांदी के वर्क जो है वो यूज़ किए हैं। जितने मैंने इसमें इस्तेमाल करने थे वो कर लिए, और जो आपको दिखाने के लिए कि जो बाकी बचे वो मैंने लगा दिए, इससे और भी खूबसूरत लग रहा है फेस, और हम भी अपने पार्लर्स में भी अमूमन लगा देते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या होता है? आपने ऑलरेडी चांदी का वर्क, चांदी का मास्क तो बना दिया था, अब चांदी का वर्क अप्लाई करने का फायदा क्या है? नहीं यानी ये तो एक लोग देख रहे हैं उनको पता भी चल जाए कि हमने इसमें चांदी का ओरिजिनल वर्क पीस कर मिलाया है, ताकि उनको अंदाजा हो जाए कि असल में ऐसा होता है, जो लगाने से पहले ऐसा होता है, पीसने के बाद वो इतना शाइनी हो गया। और चीजें सर भाई, चांदी का जो है एक और मसला है ये है कि ये कार्बन जो है स्किन पे आ जाता है ऊपरी सतह पे, जो कि ख़त्म नहीं होता चांदी के लगाने से, कार्बन चांदी और कार्बन मिलने से कार्बन ख़त्म हो जाता है। ओके, अच्छा उसकी वजह से जो झाइयाँ होती हैं चेहरे पे, जो स्याही होती है वो चांदी का वर्क लगाने से ख़त्म हो जाता है, और ये फौरी तौर पर रिजल्ट देगा कि स्किन वाइट भी होगी, सीबम ऑयल कंट्रोल होगा, पोर्स टाइट होंगे, स्किन बहुत फ्रेश हो जाएगी, एक्ने ख़त्म हो जाती है, और स्किन को इनके इतना कूल इफेक्ट मिलेगा कि ये खुद बहुत अच्छा महसूस करेंगी। ओके ओके, चलिए जी एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोल्ड फेशियल अभी बाकी है और बहुत सारी चीज़ें जो आपसे हमने आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। इस वक्त तक दो मास्क लग चुके हैं, पहला मास्क जो है वो सिल्वर मास्क है जो आपने देख लिया है कि इससे चेहरे पे क्या असर होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा मास्क हमने मुल्तानी मिट्टी के जरिए बनाया है, ये मास्क हल्का सा खुश्क होने वाला है, और ये अभी अभी अप्लाई किया है, इसका भी रिजल्ट हम आपको आज ही दिखाएंगे। ये तमाम मास्क ऐसे हैं जो आप घर में बना सकते हैं। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाले आवे खुदा आवे मेरा लौंग वाजा ओ मेरा लौंग
अच्छा अच्छा लॉन्ग तो गवाच गया आपका, अल्लाह ताला आपको मिलवा दे आपकी लॉन्ग को जब भी आपकी मिले लॉन्ग। और जिस स्टाइल से आपने गाया आज बहुत अच्छा गाया, वेरी 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 नाइस वेरी नाइस। अच्छा इनको हमने सलमा गोल्ड फेशियल लगा दिया है, बिल्कुल इनको गोल्ड फेशियल लगा दिया है और ये गोल्ड फेशियल आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में ओ हेलो इधर करो ना, अब मैं कैमरा भी आके सिखाऊं क्या ये, देयर यू गो दैट्स इट। अच्छा ये बताइए मार्केट के अंदर तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा और हाँ। मतलब जितना ही आजकल इतना शोर है इसका उतना ही एक्सपेंसिव है। गोल्ड जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये सारे फेशियल्स आपके सीबम को कंट्रोल करते हैं। आपको मैंने जिस तरह ये बनाया है ये एंटी एजिंग बनेगा, ठीक है, ये एंटी एजिंग मास्क होगा, मतलब रिंकल्स आपके ख़त्म हो जाएंगे, आपकी क्रोफीट्स ख़त्म होंगी और दूसरा ये कि ये वाइटनिंग इफेक्ट देगा और आपकी स्किन को अच्छा टाइट और बड़ा ही खूबसूरत गोल्ड का रंग देगा, एक हल्की सी चमक होगी, ये नॉट पीला रंग, बस मेरा मतलब है कि एक शाइन आएगी आपके चेहरे के ऊपर, सोने की चमक होगी, बस सोने की चमक होगी। अच्छा एक बात, ये जो फेशियल्स हम बना रहे हैं, फर्ज कीजिए हमने गोल्ड फेशियल बनाया, ये एक हफ्ते में कितनी मरतबा लगाना है? ये तो आप महीने में एक दफ़ा भी लगाएंगे आपके लिए बहुत अच्छा, really? एक महीने में आपने एक दफ़ा इसको लगाया और इसको पूरे 25 मिनट दिए। अच्छा एक सवाल है मेरा, एक सवाल है, ये इनका तो मुझे बताया कि 2 से 10 हज़ार रुपये का फेशियल होता है ये वाला, 2 से 10 हज़ार रुपए का आपने कहा कि फेशियल होता है। अच्छा ये वाला फेशियल भी खासा एक्सपेंसिव होता होगा? हाँ ये भी 1200-1500 इस तरह के ये स्टार्ट होता है, यहाँ स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है। अच्छा अगर आप किसी बड़े सैलून में जाएं तो ये 5-6 हज़ार रुपए का, 5-6 हज़ार तक का। ओके ओके। अच्छा गोल्ड फेशियल कितने का होता है भाई? मत पूछे, आपके मियाँ की पहली तनख्वाह जाती है उसके अंदर, रियली 5000 से स्टार्ट होता है, 5000 से। लेकिन मेरा तो कोई मियाँ ही नहीं है, नहीं जाती यार, सही बता रहा हूँ, मेरा कोई मियाँ नहीं है। और अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि मैं बगैर मियाँ के हूँ। मालिक तूने अच्छा जैसा बनाया बिल्कुल ठीक बनाया। नहीं एक्चुअली मैंने मियाँ की बात इसलिए की है, तनख्वाह की बात इसलिए की है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, करवाने का दिल सबका करता है, ठीक है। ब्राइड्स ऐसी हैं जो कि करवाना चाहती हैं, हमारे मतलब पुराने में ये होता था। अंदाजा मुझे बताइए कि गोल्ड फेशियल इतने का होता है, इतना 5000 से स्टार्ट होता है और ये 10 को टच करता है, 15-20 तक भी जाता है, 25 तक भी ये जाता है सैलून में, जितना बड़ा सैलून। अब आप इमेजिन कीजिए 25000 रुपए का ये फेशियल हम यहाँ आपको तकरीबन फ्री बनाना सिखा रहे हैं, बिल्कुल बनाना सिखा रहे हैं फ्री। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, इनको देख लीजिए जिनके चेहरे पे ये फेशियल लगा हुआ है, फिर इन्हें देख लीजिए इनके चेहरे पे फेशियल नहीं लगा हुआ। अभी हम गोल्ड फेशियल बनाएंगे और इनके चेहरे पे लगाएंगे, ठीक है। अब आपके सामने अब आप चेक कीजिए कि गोल्ड फेशियल बनता कैसे है। जी सलमा। अच्छा और सबसे बड़ी बात है सर भी, ये आप अपने हाथ से बना रहे हैं तो आपको पता है कि आपने इसमें क्या डाला है, वो सिर्फ आपको कह दें और उसमें वो चीज़ें ना हो, इंग्रेडिएंट ना हो, तो फिर आपकी स्किन का भी अल्लाह मालिक है। तो इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ जो सबसे ईजी रेमेडी है स्पून में। अच्छा इसके अंदर हमने मिक्स करके, अच्छा बच्चे जिस जिस के भी हैं प्लीज उनको चुप करवा दें और अगर नहीं चुप हो सकते तो मेरी गोद में दे दें प्लीज। ये सोने के वर्क हैं, ठीक है, इसको पीस लिया जाता है, इसको पीस कर जौ जो कि बार्ले पोरिश ले लीजिए, जो कि रोल्ड ओट्स हैं जो कि इजीली पीस जाते हैं। एक सेकंड सलमा, एक सेकंड दिखा दीजिए पहले, ये हमने सोने का वर्क लिया है और इसको जौ के अंदर मिलाया जी, इसको जौ के पाउडर के अंदर हमने अच्छी तरह पीस लिया है। इसमें मैं ये लूँगी तकरीबन 3 टीस्पून, ये ले लिया, इसके अंदर सूखा दूध ऐड किया 2 टीस्पून के बराबर और इसके अंदर चावल का आटा डाला तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अब इसको हमने मिक्स करना है, तो इसके लिए मिक्स करने के लिए आप दो चीज़ें, दो ऑप्शंस हैं आपके पास, एक आप बनाना पेस्ट ले सकते हैं, दूसरा आप चावल का आटे सॉरी आलू का पानी ले सकते हैं जो कि आपकी वाइटनिंग इफेक्ट करेगा। जैसे मैंने कहा ये एंटी एजिंग भी है और ये आपकी स्किन को टाइट भी करेगा और दूसरा ये कि आपकी वाइटनिंग भी हो जाएगी। ओके okay. अच्छा इसके अंदर पानी या गुलाब कुछ नहीं डालना, अरके गुलाब कर लीजिए फिर अरके गुलाब ऐड करें। ओके 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 एटलीस्ट आप घर में ये बनाएंगे, एक ये सस्ता पड़ेगा आपको, दूसरा ये कि आपको पता है कि आप अपने हाथ से सोने के वर्क लेकर इसके अंदर पीस कर डाल रहे हैं।
और बाकी भी जितनी चीजें डली हैं वो सब स्किन के लिए बेहतरीन। अच्छा, क्या ये सोने का वर्क इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल जी, उसके बाद एंड में हम लगाएंगे। एंड में लगाएंगे, ओके ओके जी, आइए। अच्छा जी, अब आपको लगना है, ठीक है। इससे आपका ना सिर्फ सीबम कंट्रोल होगा, ठीक है, आपकी एक्नी को फर्क पड़ेगा, दूसरा ये कि आपकी स्किन शाइनी हो जाएगी और फ्रेश होगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, इससे बाकायदा ग्लो आता है चेहरे पे? बाकायदा ग्लो आता है, वो कहते हैं सुनहरी रंग। अच्छा, मेरे सवाल, क्या इससे स्किन टाइट भी होती है? बिल्कुल, इससे स्किन टाइट होती है, वाइटनिंग होती है और ग्लो आता है। ओके, मास्क बेसिकली किसी भी स्किन पे लगाया जाए वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के साथ साथ स्किन को ज़रूर टाइट करता है, चाहे वो किसी भी सीजन में लगाया जाए या किसी भी स्किन पे लगाया जाए। मास्क का काम ज़्यादातर स्किन को टाइट करना ही होता है, सीबम कंट्रोल करने के साथ साथ। और जो स्किन के पोर्स खुले हुए होते हैं वो मास्क के इंग्रेडिएंट्स को अपने अंदर अचीव कर लेते हैं। ओके, नॉर्मली जो वैक्स वगैरह करवाई जाती है उससे ये होता है कि आपके पोर्स खुल जाते हैं क्योंकि वो गर्म होती है। हॉट वैक्स करवाई जाती है, फेस पे भी करवाई जाती है, उससे स्किन एलर्जी हो जाती है। और उसके बाद आप ये लेते हैं, ब्राइड्स लेती हैं अपने जितना लाइक उनका है कि आप सर्विसेज ले रही होती हैं, उसके बाद आपकी स्किन को। अच्छा देखिए, अब इनका जो ये है, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कीजिएगा, इधर फोकस कीजिएगा, इनकी जो स्किन है ये थोड़ी सी टाइट होना शुरू हुई है और गोल्ड अब जमना शुरू हो गया है। तो लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद जाएगा कहीं नहीं, ये गोल्ड मास्क है, अभी बहुत सारे मास्क हैं बाकी हैं, बट विल राइट बैक।
मेरा भी दिल चाह रहा मैं भी ऐसी डांस करूँ, बट करना नहीं चाहिए बिकॉज कुछ लोग करके जा चुके हैं और एतबार रखना चाहिए कि उन्होंने अच्छा किया है. इनके लिए बहुत सारी तालियां दी. ओके ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे ना वो अंग्रेजी फिल्में नहीं होती जिससे खून निकल रहा था. अच्छा दिस इज चॉकलेट मास्क दो, लेकिन बड़ा कमाल मास्क होता है और उसके असरात बहुत अच्छे होते हैं. जी जी बस अब थोड़ी देर में जलना शुरू होगा चेहरा और उसके बाद आहिस्ता 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 आपकी स्किन उतरना शुरू हो जाएगी. हाँ, ऐसे करके फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा. वैसे आप अगर ऐसी एक पिक्चर खिंचवा के अपने हस्बैंड को भेज दें तो क्या होगा? डर जाएंगे वो. कुछ भी नहीं होगा. इंश्योरेंस कैश. नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा नहीं. आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है. ऑलराइट, ये 3 घंटे तक लगाना मास्क, इसके बाद 3 घंटे और लगाना, 6 घंटे इसी कुर्सी पे बैठे रहना, हिलना नहीं है बिल्कुल यहाँ से. आप ये बताएं आपको खुशबू कैसी लग रही है इसकी? बहुत बहुत. क्या हो रहा है? खाने को दिल चाह रहा है? बिल्कुल. क्या खाने को? क्या खाने को दिल चाह रहा है इस मास्क को? नहीं नहीं ऐसे मशवरे मत दें. आप खाने को दिल चाह रहा है ये वाला मास्क आप खा सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल खा सकते हैं. रियली? जो इंग्रेडिएंट मैं आपको बताने वाली हूँ आप बोलेंगे इसको तो खा भी सकते हैं, लगाने के साथ साथ इसको खा भी सकते हैं. चलिए जी बताइए. अच्छा चॉकलेट मास्क आपने देखा होगा कि सैलून में अब ये इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले नहीं था. क्योंकि ये क्रिएटिविटी ये क्रिएशन करते रहते हैं कि गोल्ड भी होना चाहिए सिल्वर भी होना चाहिए सारे कर लिए. चॉकलेट जो लोगों को इतनी पसंद है तो उसको मास्क क्यों ना लगाया जाए? तो ये चॉकलेट मास्क का अब ज़्यादा रिवाज आ गया है, लोग लगाने लगे. इसकी वजह क्यों थी, क्यों लगाने लगे? प्राइस बताइए कितनी है? प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है. ये स्टार्ट ही तकरीबन 7000 से स्टार्ट होता है. आई एम सॉरी, कितना? जी बिल्कुल 7000 से स्टार्ट होता है. चॉकलेट कितनी महंगी होती है? आप इतना सा बार लेते हैं वो 100 रुपीज़ से तो ज़्यादा का ही आता है. चॉकलेट जितनी महंगी होगी तो ये मास्क कितना महंगा होगा. तो चॉकलेट आप एक तो नहीं खाते ना, आप तो दिल चाहते हैं बहुत सारी चॉकलेट खाई जाए. चॉकलेट केक ब्राउनीज बहुत सारी चीज़ें चॉकलेट से बनती है तो मास्क क्यों ना बने. तो इसकी वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ा दी गई है. तो ये मास्क 7000 से स्टार्ट होके ये मास्क आई थिंक 30, 28, 27000 तक जाता है. जितना बड़ा बिल्कुल ये वाला मास्क जाता है. और कहा जाता है जैसे कि इन्होंने सलमा ने भी बताया था गोल्ड पेपर का, तो गोल्ड पेपर के बारे में कहा जाता है ये 12 कैरेट गोल्ड पेपर हम शामिल कर रहे हैं तो उसके आपसे पैसे ले रहे हैं. लेकिन आप जब घर में बनाएंगे तो आपको पता लगेगा. चॉकलेट मास्क के बारे में कहा जाता है ओरिजिनल ये बहुत अच्छी चॉकलेट है इसलिए ये महंगा है. लेकिन हम आपको क्योंकि उनको अपने सैलून चलाना है अपने वर्कर्स को पैसे देने हैं तो वो लूट रहे हैं ले रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं. लेकिन हम यहाँ आपका फ़ायदा सोचते हैं, आपकी जेब में आपके बजट में रह के सिखाते हैं बहुत महंगे महंगे मास्क. और आपको मुझे बताइए 7000 रुपये का मास्क शुरू होता है और 30000 रुपये तक जाता है ये आपने इनका इन पर जरा फोकस कीजिएगा जो चॉकलेट मास्क इनका इन पर फोकस कर लीजिएगा. अच्छा My question is, बनाएंगे घर के अंदर अगर ये खवातीन चाहें कि ये चॉकलेट मास्क बनाएं और इनके चेहरा भी बहुत खूबसूरत लगे और वो खवातीन चाहें या वो मर्द चाहें कि अगर किसी को एक्नी है तो क्या वो भी लगा सकते हैं? एक्नी वाले भी लगा सकते हैं ये बिल्कुल इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं. मेरा सवाल है, लोग नहीं कहते कि चॉकलेट खाने से एक्नी ज्यादा हो जाती है तो क्या फिर भी एक्नी वाले लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं. चॉकलेट खाने से इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, आपका सीबम ज़्यादा रिड्यूस होता है, उनसे ज़्यादा एक्नी होती है. लेकिन लगाने से जो चीज़ें होती है वो जो खाने का इफेक्ट और लगाने का अलग अलग होता है. लगाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है. अच्छा ये मास्क मैं स्टार्ट करने से पहले बताऊँ सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि चॉकलेट की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, थोड़ा हीटअप करता है आपकी स्किन को. तो आप इसको लगाएंगे तो आपकी स्किन पर जो सीबम वो कम हो जाता है. अच्छा, सर्दियों में औरत और मर्द दोनों लगा सकते हैं? दोनों लगा सकते हैं, औरत और मर्द दोनों लगा सकते हैं. अच्छा मैं इसको स्टार्ट करती हूँ. कोको पाउडर मार्केट में बहुत मिल जाता है, पैकेट में मिल जाता है, आपको खुला भी मिल जाता है. और ये आप अगर इसको 20 रुपये का मांगेंगे तो आपको दुकानदार 20 का भी देगा. पैकेट में 50-60 रुपये का भी होता है पैकेट, वो भी आप ले सकते हैं. लेकिन वो भी महंगा नहीं है, 50-60 रुपये का भी. मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपने कोको पाउडर लिया 20 रुपये, 20 रुपये का कोको पाउडर ले लिया. ठीक है, मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ मैं तकरीबन इसको 2 टेबल स्पून. और एक अंडे की कॉस्ट क्या होती है 10 रुपए या 11 या फिर 12, इससे ज्यादा नहीं होता. इसकी सफेदी ले ली है. ठीक है, ठीक है, 30 रुपीज हो गए. ठीक है, ये पूरा मैंने ये अंडे की सफेदी ले ली. और ये मेरे पास है शहद, शहद शहद है तकरीबन 1 टीस्पून भर के. अनदर 10 रुपीज, 10 रुपए का. ठीक है, और ये तो आपको 4 या 5 रुपए का 1 टीस्पून दही बस. तो ये टोटल मास्क जो आपका बना है ये 35-40 रुपीज में 40 रुपीज का आपका बन गया. लेकिन इसको फेंटना बहुत अच्छी तरह से, जैसे कि हम चॉकलेट की क्रीम बनाते हैं
गनाज बनाते हैं तो उसको फेंटते बहुत अच्छी तरह से, जो केक बना रहे हैं या चॉकलेट की कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से फेंटेंगे कि इस सूरत में आ जाए, इस शक्ल में आ जाए, इसको अच्छी तरह से इसको फेंटना है। इसलिए मैंने आपसे कहा था इसको खाया भी जाता है, इसको लगाया भी जाता है, इसके अंदर कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप इसको खाएंगे तो फ्राइड चॉकलेट बन जाएगा, बिल्कुल सीरियसली। इसके अंदर अंडा भी है, लुक एट दिस, लुक एट दिस, अंडा भी है, इसको बेक भी कर सकते हैं आप। ये चॉकलेट केक आपने बताइए बन गया ना? बिल्कुल बन गया, बहुत अच्छी तरीके से इसको फेंटना है। और कितना फेंटना है बताओ? बस इस तरह से आ जाए, ये बिल्कुल इस तरह से आ जाए, माइल हो जाए, ये लई की शक्ल में आ जाए। अरे तो लई की शक्ल हो गई ना, कितनी देर लई की शक्ल बनानी है? थोड़ी सी और, थोड़ी सी और। ऑल गुड, ऑल गुड। इतना महंगा फैशन हम आपको घर में, आपको मास्क बता रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी तो मेहनत करनी होगी ना, थोड़ा सा आपको वेस्ट करना होगा। ये बस ये हो गया, देखिए जरा देर में ये हो गया, और इसको आपने अप्लाई करना है। ₹40 में 40 रुपीज में कम अज कम 7,000 रुपए का मास्क हमने आपको बनाना सिखाया है। छोटा सा एक ब्रेक, आप सुनते हैं ब्रेक के बाद। मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल I'm
मुश्किल था जीना, तुम जो ना मिलते अगर बेताब सांसें बेचैन है, कहने लगी बस यही आप लोगों को देख देख के मुझे गाना याद आ रहा था, पता नहीं क्यों। You guys are looking so amazing. जी सर, जी आज हम आपको सलमा आप करी मैं करूं? नहीं आप करें। अच्छा तो आप आ जाएं ना। हाँ जी बिल्कुल। ओके गुड। क्या हो गया जी? हाँ जी तो ये फोन किसका है? यहाँ पड़ा है। किसका है? तोड़ दो अभी तक जी, जी तो मैं अभी आपको चारकोल मास बनाना सिखाऊंगा। चारकोल जो के एक, अरे आपने काले भी गलत जी, देखिए लोगों के ड्रेस लोगों के लोगों के हाथ काले होते हैं, इनके दस्ताने काले जी। तो बेसिकली आज हम लोग सब जो मास्क बना रहे हैं उस पे चारकोल मास्क, हर किसी को क्या चाहिए फेस पर? चमक, बिल्कुल सही है, चमक चाहिए होती ना बेसिकली, क्योंकि हम फेयरनेस की बात नहीं करें, हम चमक की बात करें, तो उसका नाम ही पूरा याद करवा चमक चमक का चारकोल फेस मास्क, बहुत इजी है याद रखना भी, इसका नाम ही चमक, चे मीम काफ, ठीक है, चे से है चारकोल का एक चम्मच आप लेंगे। अच्छा मीम से ये मिरेकल क्रीम अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि इसमें मैंने मेडिकल चीज भी डाली है, ये एक एंटी एजिंग और क्लियरिंग क्रीम है, ये एक्सियो फार्मा की है जी। जो चमक नहीं चाहता है उसको क्या करोगे? चमक हर कोई चाहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे चेहरे पर चमक आए यार। नहीं चमक मीन ग्लो, एक अच्छी दिलकशी आए। तो मोहल्ले में निकलता हूँ वैसे ही मोहल्ले वाले लोग बोलते तू बहुत चमक रहा है भाई, बहुत मिस हो गया आपने तो मेरे को सुबह सुबह देखा नहीं, आप देख लो आप भी चमक, मेरी चमक से मुतासर हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है। और फिर काफ से कोकोनट ऑयल, काफ से ज्यादा है, काफ से कोकोनट ऑयल, ठीक है, इसमें चमक ये आ जाएगा, पूरा आपका फेस मास्क होगा। सबसे बड़ी बात है इस मास्क के अंदर आपकी पोर को टाइट करेगा, आपकी स्किन पे आप इनको लगा के हमने रखा हुआ है अभी, ठीक है, जी चारकोल मास्क है ये, ओके जी। अच्छा इसके अंदर सबसे अच्छी बात, मुझे एक बात बताइए अगेन आपसे पूछ रहा हूँ, कितने का मिलता है ये? ये चारकोल मास्क भी तकरीबन 1500 से स्टार्ट होता है ये वाला मास्क, क्योंकि ये बहुत पहले का आया हुआ है, तो इसकी कॉस्ट पहले बहुत ज्यादा महंगा था, अब थोड़ी सी कॉस्ट कम हो गई है, 3-4 हज़ार तक ये चला ही जाता है। 4 हज़ार तक का चला जाता है। अच्छा अच्छा इसका फायदा क्या होता है डॉक्टर साहब? जी इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी स्किन की क्लियरिटी करता है और फेस पे ग्लो लाता है, बिकॉज आपने देखा है कि जैसे कोयले के कान में ऐसे हीरा निकलता है, तो अभी हीरा बन के निकलते हैं और आपकी स्किन खूबसूरत ग्लो करती है, तो आप ये लॉजिक इसकी याद रखिएगा। दूसरी ये भी है कि इसका सबसे अच्छी बात ये कि चूंकि इसके अंदर कार्बन होता है, इसके अंदर विटामिन्स होती है नेचुरल, चारकोल एक्चुअली होता है कि कोल में से आप सारा वाटर या उसकी वोलेटाइल चीजें निकाल के बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन इसको कोकोनट ऑयल के साथ मिलाना जरूरी है। और मिरेकल क्रीम जो मैं कह रहा हूँ उसके अंदर आपको स्किन वाइटनिंग में भी इफेक्ट करेगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो जगह जगह पे आपकी फेस पे टैनिंग हो जाती है, कहीं से फेस लाइट हो गया कहीं से डार्क हो गया, वो ज्यादातर हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होता है। तो स्मार्ट से ज़्यादा एक इवनिंग प्रेम रोज आती है, वो भी आप लोग खाया करें, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए बहुत अच्छी है, वो इवनिंग प्रेम रोज ई प्रो के नाम से आ रही है, सुबह नाश्ते के बाद रात खाने के बाद, तो उससे आपके फेस पे ग्लो भी आएगा और क्लैरिटी भी होगी। साथ साथ ये मास्क आप हफ्ते में एक दफ़ा भी लगाएंगे तो अगर हम बनाना सिखा दें तो शोर मज़ेदार हो जाएगा। या एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चारकोल मास्क, वैसे तो बहुत पुरानी तहकीक के मुताबिक चारकोल मास्क वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी फेयरनेस के लिए, एंड इट हैज़ वंडरफुल इफेक्ट्स। अगर आपने बहुत सारी क्रीम्स गोरा होने के लिए लगाई हैं, तो अब से थोड़ी देर के बाद हम आपको ये चारकोल मास्क बनाना सिखाएंगे, जिससे रंगत निखर जाती है, खिल जाती है, आपके पोर्स जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, आपकी स्किन जो है वो यंग नज़र आती है, और सबसे बड़ी बात ये आपकी स्किन इंस्टेंटली 2 से 3 शेड लाइट हो जाती है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेरी नाइस थैंक यू। और अब जरा कुछ इनाम देने की बात हो जाए, किसको चाहिए ये इनाम? ऑल राइट, लेकिन आपको बहुत गौर से सुनना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी एक छोटी सी बेबी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी अगर जो बेबीज हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो देख रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैसेज है शील्ड वालों की जानिब से, एंड आई शैल टेल यू दैट शील्ड लाया है नए फीडर्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बेस्ट पीपी मटेरियल से बने हैं, बेस्ट पीपी मटेरियल से बने हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। अच्छा, शील्ड का जो वाइड नेक फीडर है वो अपने स्पेशल शेप की वजह से धोने में भी आसान है और बच्चे के पकड़ने में भी आसान है। शील्ड का जो वाइड नेक फीडर है वो धोने में भी आसान है अपनी शेप की वजह से और बच्चे के पकड़ने में भी आसान है। अच्छा, सिपी कप्स में ये होता है कि जब बच्चे पानी पीते हैं तो गिर जाता है ना, तो अब सिपी कप्स में पानी से गिर जाने की मुसीबत से छुटकारा मिल गया है क्योंकि ये शील्ड का सिपी कप है। मैं छोटे छोटे से सवाल कर रहा हूँ और उसके बाद आपको इनाम दे दूंगा। हाथ उठा लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा, मुझे ये बताइए पानी गिर जाने की मुसीबत से छुटकारा मिला है आपको सिपी कप्स की तरफ की वजह से, लेकिन इसको बनाया किस कंपनी ने है? जोर से बोले, आप जरा माइक लेके जाइए, आप जरा माइक लेके जाइए, माइक लेके जाइए, और जरा ये जो जो सबसे ज्यादा जोर से शील्ड बोलेगा उसे दे दे। 1 2 3 गो। ऑलराइट ऑलराइट, देयर यू गो देयर यू गो देयर यू गो, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट। मैंने आपको बताया था जल्दी, इतना देर नहीं लगानी, जल्दी जल्दी क्विकली करना है। अच्छा, शील लाया है नए फीडर्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बेस्ट, बेस्ट किसी से बने? यस, पीपी मटेरियल, उनको ऊपर से तालियां जोर से। अच्छा, आप लोग अगर तालियां नहीं बजाएंगे तो बंद कर देता हूं, नहीं देता। जोर से जोर से। शील्ड का वो कौन सा कप है जिससे पानी नहीं गिरता और बच्चे आसानी से पी लेते हैं? अभी बताया मैंने, यस सिपी कप, हैंड कप नहीं होता, सिपी कप है। दीजिए जी, यार वैसे आप ना एक साइंसदान है खुदा के, सीरियसली, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, अब मैं अब आप प्लीज यहाँ खड़ी हो जाइए, आई डोंट नीड यू, प्लीज यहाँ खड़ी हो जाइए, सलमा प्लीज हेल्प मी। अब जो सबसे ज्यादा शील्ड शोर करेगा उसको मिलेगा, 1 2 3 गो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जोर से बोलते रहिए, सलमा गो। फेंकना नहीं है, फेंकना नहीं है, फेंकना नहीं, फेंकना नहीं, बिल्कुल फेंकना नहीं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इनाम है, ये किसको चाहिए? इसके लिए शोर करना है। मुझे बताओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो कौन सा मटेरियल है जिससे ये बनाया गया है, किससे बनाया गया है? अब पीपी मटेरियल, यस देयर यू गो, आपका जवाब है, आपका जवाब है, बहुत सही था। लिया, एक और रह गया है, एक और रह गया है। हाँ जी, एक, अच्छा एक एक मैं बात पूछना चाहता हूं आपसे, सिपी कप से पानी में गिर जाने की मुसीबत होती है, ठीक है, पानी गिर जाने की मुसीबत होती है, बच्चे पीते हैं पानी स्पिल कर जाता है। शील्ड ने बनाया है नॉन स्पिल कप, नॉन स्पिल सिपी कप बनाया है, क्या बनाया है? अब मेरे पीछे जितना जोर से बोलेंगे, जो सबसे ज्यादा जोर से बोलेगा उसको मिल जाएगा ये। मैं पहले बोलूंगा, नॉन स्पिल सिपी कप, लेकिन 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 इससे पहले शील्ड लगाना है, शील्ड नॉन स्पिल सिपी कप। देयर यू गो, गो सलमा गो, थैंक यू जी, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां, थैंक यू शील्ड, आपका बहुत, इधर हो जाइए, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर एडवर्टाइजिंग विद अस, वी रियली अप्रिशिएट योर बिजनेस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू जी। अच्छा जी, जी तो मैं यहाँ पे आ जाते हैं, चारकोल का चमक मास्क बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ये आपने चारकोल एक चम्मच लिया है, चमक मास्क। आंटी हेलो, हेलो, शो खत्म नहीं हुआ,
इसके बाद आपस में बात कर लीजिएगा. लेट्स फिनिश द शो फर्स्ट प्लीज. थैंक यू. हाँ जी, ये चारकोल का एक चम्मच आपने लिया है, ठीक है. इसके बाद आपने ये एक्सियो फार्मा की मिरेकल क्रीम अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि इसके अंदर अच्छा ये बहुत गौर से देखिए, ये व्हाइटनिंग मास्क है. व्हाइटनिंग मास्क के साथ साथ आप क्लैरिटी भी करेगा, पोर टाइटनिंग है, कंप्लीट आपका रेजीम है फेस का, ठीक है. और इसको हमें ऐड किया आखिर में एक चम्मच कोकोनट ऑयल के साथ. डाली 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 मैं मिला रहा हूं. जी ठीक है, अब ये देखिए इस तरह बन जाएगा ये, ठीक है. मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ इनको, ये मास्क बिल्कुल. आइए जी. अच्छा, जिनके लगे हुए हैं अभी उनके मास्क हम उतारेंगे फौरन ही. सलमा जरा इंतजाम कर लीजिए ताकि हम फौरन उतार सकें. इनको लगाना है. ये हम आपने सिर्फ बना के दिखाया है आपको, इसमें तीन चीजें डली हैं. डॉक्टर साहब बताइएगा क्या क्या चीजें. इसमें चारकोल है एक चम्मच उसका है, और एक मीम से मिरेकल क्रीम है एक्सियो फार्मा की, वो एक चम्मच आपने ली है, और साथ साथ कोकोनट ऑयल काफ से, ठीक है. और उसको आप लगाने का तरीका भी देख लीजिए, आपको नीचे से ऊपर की तरफ आना है, ठीक है. और सर म्यूजिक भी है, ला 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 ला, ऐसे लगाना है. ये म्यूजिक बहुत जरूरी है, ठीक है. ला 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 ला, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको मजा भी आए मास्क लगाने में. अक्सर लोग बहुत इरिटेट होते हैं मास्क लगाते हुए, और उसको उस तरह लगाने जब तक ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब ना हो जाए, कम्प्लीटली आपकी स्किन में ये वो ना हो जाए, जज्ब ना हो जाए, उसमें बिल्कुल ड्राई हो जाए, फिर आप प्लेन वाटर से वॉश करेंगे इसको. अब देखिए जैसे लगा रहे हैं, बस कर दो यार खुदा का वास्ता, प्लीज काम करने में. और नेक से लेकर लगाना है, बिकॉज हमें मास्क को पूरे फेस पे लगाना होता है, ठीक है. इसके अंदर मिरेकल क्रीम जो सर आप ये पकड़े सर लगाए सर आप. हम इधर आते हैं जी. सबसे पहले रानी आपा ने इनको सिल्वर मास्क लगाया था, इसको जरा हम धोते हैं. आप जरा पीछे से आ जाइएगा फरा, इसको जरा धोना शुरू कीजिए, साफ करना शुरू कीजिए. अच्छा उसके बाद बल्कि फरा आप अपना चॉकलेट मास्क साफ कीजिए, आप अपना सिल्वर मास्क साफ कीजिए. ये देख लीजिए जी, हमने सबसे पहले सिल्वर मास्क जो है इसको साफ करवाना है, और आपको पता चलेगा कि कितना बेहतर है. और यहाँ पर फरा चॉकलेट मास्क जो है उसको निकाल रही हैं, और यहाँ पर ये मट्टी का जो मड मास्क है वो निकालेंगे, और गोल्ड फेशियल का मास्क सलमा आप निकाल दीजिए. जी सलमा छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए. लेट डॉक्टर साहब डू इट. जी आप इधर आ जाइए, ये गोल्ड का मास्क निकाल दीजिए. All right. I mean, skin is looking really good. बहुत अच्छी लग रही है, और ये बहुत एहतियात के साथ निकलता है. आप थोड़ा थोड़ा सा भी अगर निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा. Look at this. ये आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा स्किन में, कितना हसीन डिफरेंस है. बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है. ये हल्का सा स्क्रबिंग के साथ ही उतरेगा. अच्छा गोल्ड फेशियल को उतारने का तरीका ये है कि आप इसको स्क्रब करेंगे प्रॉपरली और उसके बाद अपने चेहरे को वॉश करेंगे. मड मास्क जो है वो भी निकल रहा है, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल माशाल्लाह. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, एवरीथिंग इज जस्ट वर्किंग आउट रियली वेल. अच्छा फिर आपका मास्क जो है वो भी हम अभी उतारेंगे, चारकोल मास्क, और आपको पता चलेगा कि कितना बेनिफिशियल है आपके लिए भी ये. इट्स वेरी नाइस. चॉकलेट मास्क हैज़ अमेजिंग रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं चॉकलेट मास्क के. मड मास्क के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और गोल्ड फेशियल के तो कमाल रिजल्ट्स हैं माशाल्लाह. वेरी नाइस. सिल्वर फेशियल इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब माशाल्लाह. वेरी वेरी नाइस जी. ये तमाम के तमाम फेशियल्स वो हैं जो आप अपने घर में बना सकते हैं. इसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो 100 रुपये से भी कम है, 100 रुपये से भी कम है. नाउ इमेजिन के 100 रुपये से कम कॉस्ट आप घर के अंदर फेशियल बना के खुद कर सकते हैं. आपको बाहर नहीं जाना, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेनी, गाड़ी नहीं लेनी, किसी सैलून नहीं जाना. घर के अंदर आप ये मास्क बनाएं, घर के अंदर ये मास्क बना के आप लगा लें, और 15 से 20 मिनट के बाद इसको धो लीजिए, और आपकी स्किन बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगी. आपका बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया माशाल्लाह. और आपका बेटा बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया, ब्यूटीफुल माशाल्लाह माशाल्लाह. लुक एट दिस, वो गोल्ड फेशियल इज अमेजिंग मैन, अमेजिंग अमेजिंग. रानी आपा वाला देखिए, ब्यूटीफुल वंडरफुल वंडरफुल जी. अच्छा टाइटनिंग तो नजर आ रही है, सिल्वर से टाइटनिंग नजर आ रही है. जी, बिल्कुल. अच्छा मड से भी टाइटनिंग नजर आ रही है, लेकिन जो मड में जो सबसे बड़ी बात पैदा हुई है, जरा मड पे बेटा आप सीधा हो जाइएगा, ऐसे देखिएगा कैमरे में. जो सबसे बड़ी बात मड इसमें लग रही है वो जो एक नेचुरल ग्लो है, इनका चेहरा थोड़ा सा डार्क था, वो चेहरा खिल गया है. वो जो इनकी डार्कनेस है वो खत्म हो रही है, थोड़े से रिंकल्स जो है वो भी खत्म हो गए. अच्छा सबसे बड़ी बात ये मड मास्क आप यहाँ तक लगा सकते हैं, इस जगह तक लगा सकते हैं. इट्स ब्यूटीफुल वंडरफुल. अच्छा गोल्ड फेशियल जरा दिखाइएगा मुझे, इधर देखिएगा, ये जरा चेक कीजिए गोल्ड फेशियल को. इधर इधर लीजिए, इधर 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 कीजिए.
अमेजिंग ब्यूटीफुल, ये स्किन जो है ये बाकायदा बाकायदा बहुत क्लीन लग रही है और लिफ्ट हुई भी लग रही है, लिफ्ट होगी और ये सारे क्रो फीट्स वगैरह खत्म होंगे, ऐसे करने पर वाइटनिंग भी साथ साथ करेगा। अच्छा सिल्वर मास्क दिखाइएगा मुझे, कमाल है माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको वो साफ करना है चारकोल मास्क, जल्दी से ब्यूटीफुल, आपको तो अंदाजा ही नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, यू गाइज हैव नो आइडिया द वे यू आर लुकिंग, आपको खुद कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आपको? वेरी नाइस। आपको कैसा लग रहा है? आप पहचान नहीं पाएंगे अपने आपको, मैं सच बता रहा हूँ, यू लुकिंग रियली, इनको इनको साफ करना है। हाँ जी फरा आप आ जाए, या रानी आप आ जाए, वेरी कूल जी, वेरी वेरी कूल, वेरी कूल, मुझे टाइम बताते रहिएगा। इसके रिजल्ट आप देखिए, इससे क्लैरिटी भी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, निकल रही है इनकी, है ना, टाइटनिंग भी आ रही है इसके। अच्छा हमने जानबूझ के इनका इंतखाब किया था, थोड़ा सा इनका रंग जो था वो धूप की हिद्दत की वजह से कुमलाया हुआ था, अब आप इनके रंग को देखिए कि रंग खिल रहा है, सबसे बड़ी बात ये डिफरेंस नजर आ रहा है, अमेजिंग अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे कीजिए बेटा, आप भी साफ कर लीजिए, और अच्छा जरा देखिएगा इसको, जरा स्किन को जरा गौर कीजिए, यहाँ जाइए, वाह 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 वाह, एंड लुक एट दिस लुक एट दिस लुक एट दिस लुक एट दिस लुक एट दिस, सामने देखिए ये मड मास्क है, इसको देखिए, लुक एट द स्किन, और हैरतअंगेज रिजल्ट्स चॉकलेट मास्क के, लुक एट दिस, और बहुत कमाल रिजल्ट सिल्वर मास्क के, देखिए जरा गौर से, वो आपको खुद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको पता है कि आपके स्किन पे टू टोनिंग बहुत है, मतलब दो टोन्स आपकी नजर आ रही हैं, आपकी ये यहाँ पर टू टोनिंग है, इधर टू टोनिंग है, और एक ही एप्लीकेशन के बाद अब आपका चेहरा बहुत निखरा निखरा लग रहा है। डॉक्टर साहब कितनी एप्लीकेशन चाहिए होती है? सबसे बड़ी बात है इसके अंदर अच्छी बात ये होती है, कम से कम हफ्ते में एक या दो दफा तो एटलीस्ट यूज करें, ठीक है, अच्छा टाइम है कि शाम में यूज करें, और उसके बाद आप जा सकते हैं किसी फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है, इट्स मोर लाइक अ प्री मेकअप थिंग, तो इससे आपकी स्किन टाइटन भी होगी, आपके स्किन पे ग्लो भी आएगा, और आपके फ्रेश फील भी होगा, और चमक आ जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब सब लोग बैठ जाइए, बंद कर दीजिए सारा म्यूजिक, बंद कर दीजिए, कुछ एक दिल की बात हो जाए आपसे। नाला हूं मैं बेदारी एहसास के हाथों, दुनिया मेरे अफकार की दुनिया नहीं होती। आज अल्लामा इकबाल का 140वां यौम पैदाइश है, हमने पता नहीं छुट्टी बंद क्यों कर दी, नहीं समझ आता। मैं ये नहीं कहता कि हमारे मुल्क में छुट्टियां कम होती हैं, शायद बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन वो शख्स जिसने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, क्या उसकी यौम विलादत पे जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाया, जिसकी नज़मों की बदौलत और जिसके कहने पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दोबारा तशरीफ लाए और दोबारा आके मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली, उस शख्स का इतना तो हक बनता है कि उसके यौम विलादत पे कम से कम छुट्टी तो अनाउंस की जाए। आई डोंट नो व्हाई, इकबाल तो वैसे भी हम भूल चुके हैं, अब इकबाल हमारे पास सिर्फ अशार में है, समझता कोई नहीं। मुझे नहीं पता कि आज अगर शिकवा लिखा जाता तो क्या होता, आज जवाबी शिकवा लिखा जाता तो क्या होता, इकबाल को क्या कहा जाता क्या नहीं कहा जाता, क्योंकि आजकल तो हम लोग पॉलिटिकली करेक्ट सारी चीज़ें बोलते हैं ना, हम अपने आप को रोक लेते हैं बोलने से, तमाम चीज़ें सवालात रोक लेते हैं, जवाबात रोक लेते हैं। इमेजिन कीजिए वो डिप्रेशन का दौर कि जब अंग्रेज़ काबिज थे और हिंदुस्तान में हिंदुओं ने 1000 साल की गुलामी काटी थी, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, वो तैयार थे इस बात पे कि अब वो किसी को जागने नहीं देंगे सिवाय अपने। मुसलमानों में तालीम की कमी थी, ऐसे में एक शख्स ख्वाब देखता है एक अलग मुमलिकत का, अशार लिखता है, लोगों को जाके सुनाता है, उसकी बात में वजन है, जादू है, उसका एक एक शेर सच है। उसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमान जागते हैं, कौम की सूरत में मोहम्मद अली जिनाह के पीछे खड़े होते हैं,
1938 में आपने इस जहाने फानी से कूच किया था। कायद आजम ने कहा था कि आज मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा बाजू अलग हो गया। वो हजरत अल्लामा इकबाल थे जिन्होंने ट्रैवल करके कायद आजम को इस बात पर राजी, कायद आजम छोड़ के जा चुके थे, इस बात पर राजी किया कि आप दोबारा वापस आए, मुसलमानों को आपकी जरूरत है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपकी जरूरत है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इंतहाई अदब के साथ अपनी हुकूमत से, अपने लोगों से, कि इकबाल डे पे छुट्टी वापस अनाउंस की जाए। एंड आई ऑनेस्टली बिलीव उनसे बड़ा शायर उर्दू लिटरेचर ने, और चूंकि हम फारसी नहीं समझते इसलिए फारसी लिटरेचर ने अभी तक नहीं देखा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।